जालंधर के माईहीरा गेट में स्टूडेंट्स बुक वर्ल्ड नामक किताबों की दुकान में दोपहर के समय उस वक्त हंगामा हो गया जब एक युवक ने आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए इंडियन पॉलिटिक्स नामक किताब मांगी। युवक ने कहा कि वह कंपनी का इन्वेस्टिगेशन एजेंट है और ये किताब नकली है। इस दौरान उसने आरोप लगाए हैं कि दुकानदार ने उसे थप्पड़ मारे और पुलिस को बुला लिया। वहीं दुकानदार ने आरोप लगाए हैं कि उक्त युवक ने उसे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे। घटना की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 3 के इंचार्ज मुकेश कुमार पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरे को सवेरे कस्टमर आंदा जी कहंदा मैनू आईएएस की किताब चाहिए है, मैं बुक दे देती है। ठीक है जी, मेरे को 10 मिनट बाद मेरे को पैसे दी किन्ने दी है, मैं अमाउंट भी दस दिती है। थोड़ी देर बाद मैंने कहता वा जी यह पायरेटिड है किताब, असी उन्होंने ओरिजिनल दिती है। उस बाद मैंने कहता मैं सर देखो की प्रूफ है, मैं आई डी चेक की, मैंने वो भी फेक लगे है। फिर मैंने बाहर ले जाके मैंने कहता वा कि मेरा सैटलमेंट कर ला तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं मेरे को जब है ही नहीं कुछ इदा का। फिर मैंने बाहर ले जाकर मैंने कहता पहले कहता 10,000 दे दे, फिर कहता मैंने 5,000 दे, एंड मैंने कहता 2,000 दे दे। मैं डॉकूमेंट मंगे, फिर मार्केट में प्रधान जी ने बुलाया, उन्होंने दिखाया कहते बंदा फेक है। फिर वो जान के पता नहीं पुलिस को बूह कर लग पाया, कहन लग पाया कि मैं मिसबिहेव किया वा। अपना इन्ने सॉफ्ट हार्टेड मार्केट है, साड़ी रेपुटेशन, असी किसी ने मिसबिहेव नहीं करी दा। बुक से रिलेटेड सैटलमेंट कर ला, कहता कहता पायरेटिड है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। मैं कहा है ही ओरिजिनल है। कहता फिर मैंने कहता मैं तेरे पर्चा करा दूंगा, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी टीम सारी आ रही है। फिर इन्हें पुलिस को फोन कर दिता, इन्हें सानू आ कहता मैं कंपनी तो आया, कंपनी का कोई लीगल प्रूफ ही है नहीं गए। मैं कहा तू मेरी सारी शॉप चेक कर ला, मैंने कोई इतनी टेंशन नहीं हैगी। फिर कहता मैं शॉप भी नहीं चेक करनी। फिर बाहर खड़े होकर रोला पान लग पाया, मैंने इन्हें मिसबिहेव किया की किया साढ़े, अं की मिसबिहेव कर सकते, उन्हें चपेट मारी, उन्हें कुछ नहीं किया, टच भी नहीं किया। सर साढ़े सीढ़ी सीढ़ी लगे है, 2 दिन तो प्रॉब्लम आई, शॉप की रेनोवेशन की है, चलते नहीं पे। मैं आज भी बंदा बुलाया हुआ। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हूँ मैं, मेरा नाम फरमान है, मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आया। मैंने अपनी कंपनी की किताब मांगी, उसके बाद इन्होंने मुझे किताब दिखाई तो मैं आइडेंटिफाई कर लिया उसको कि वो पायरेटेड है। मैंने इनसे बोला 500 की नहीं, मेरे पास 400 रुपये है। इन्होंने कहा कि इतने की नहीं मिल पाएगी, पुरानी किताब ले लीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब मेरा किसी के पर्सनल कॉल आई, मैंने कॉल पर बात की, उसके बाद इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करनी चालू कर दी कि आप कौन हो, क्या है, अपनी आईडी दिखाइए। मेरा ऑथराइजेशन लेटर लेके पता नहीं किस किस के पास गए और मेरे फोटो वोटो खींचे इन्होंने। फिर मैंने उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस आई तो मैंने यहाँ पे चेक किया। आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा है, आपने पैसे की डिमांड भी की? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया है। प्रूफ के साथ इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को गलत बताया, उसके बाद मैं यहीं बैठा रहा। अगर मैं गलत होता तो यहाँ पे क्यों बैठता सर? जब आपको आपके डॉक्यूमेंट मांगे कि आपने डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट दिखाए, मैंने डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए, इन्होंने कहा इट इज़ फेक डॉक्यूमेंट्स। मैंने ये डॉक्यूमेंट दिखाए मेरा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का, ये मैंने इसका ओरिजिनल अभी व्हाट्सएप पे मंगाया, मेरे पास फोटो कॉपी है, झूठ है सर सब। इन्होंने तो अभी बुक भी नहीं दे रहे थे, सर ने आके इनसे अभी कहा, इन्होंने दूसरी बुक उठा के यहाँ पे ला के रख दी जिस पे होलोग्राम अलग लगा हुआ था, दूसरा लगा हुआ था कोने पे, ओरिजिनल बुक ला के इन्होंने रख दी और कहने लगे मेरे पास तो यही किताब है। फिर जब इनके ऊपर सर ने आके मतलब बोला उनके बाद इन्होंने ये किताब दी। मीडिया 10,000 का आरोप लग रहा है बंदे दे।